अब बात करते हैं मथुरा की। मथुरा थाना गोवर्धन क्षेत्र के गांव रामनगर के समीप अराजक तत्वों द्वारा बस पर किया गया हमला। बस में घुसकर छात्रों के साथ किया गया जमकर मारपीट। मथुरा के थाना गोवर्धन क्षेत्र स्थित रामनगर में अराजक तत्वों द्वारा एक स्कूल बस में घुसकर जमकर मारपीट की गई। वहीं मारपीट से कई छात्र घायल हो गए। स्कूल बस में हुए मारपीट की घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटना की सूचना पाते इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई। स्कूल बस में घुसकर हुए मारपीट से बच्चों के परिवारजन घटनास्थल पर पहुंच गए। वहां पर सैकड़ों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों को इकट्ठा होता देख पुलिस ने लोगों को समझाने का प्रयास किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए बस के चालक ने बताया कि सुबह स्कूल के बच्चों को लेने के लिए बस रामनगर गई थी, लेकिन वहां पर स्कूल के बच्चों में से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिस पर नाराज होते हुए दूसरे बच्चे के परिवारजनों ने बस को रोक लिया और बस में घुसकर बस में बैठे स्कूली बच्चों के साथ जमकर मारपीट की, जिससे कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहीं घटना की सूचना पाकर इलाका पुलिस मौके पर पहुंच गई और मामले की जांच में जुट गई है। दीनदयाल इंटर कॉलेज, क्या मामला, क्या बात हुई आपके साथ? मामला ये था कि मतलब बच्चे लेने गई थी बस, तो कौन सा गांव कहां गई थी? रामनगर गई थी, तो वहां कोई छोटे छोटे बच्चों का स्कूल को मैटर था, तो वो अपने भाई को लेवा के लेके आया। उस भाई ने ना पूछी ना ताची ना उस लड़के को पकड़ के पीटने लग गया। और जो छोटे छोटे बच्चे किसी को भी नहीं बख्शा, जो मतलब जो भी छोटे थे बड़े थे सब में दिया। हमारे बुड्ढे माँ साहब थे उनमें भी दिए, मुझ में भी दिए, कई लड़के थे। तो इसमें किसी बच्चों को चोट लगी है? चोट लगी है, दो तीन बच्चों के हाथों में फ्रैक्चर है।